हेलो, इससे प्रीवियस वाले में हम लोगों ने देखा था कि ग्रिगनार्ड होता क्या है, ग्रिगनार्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके सिंपल सिंपल रिएक्शंस। उसी में ही नेक्स्ट सीरीज में है कि हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उसी टॉपिक पे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला पार्ट दे रखा है, इसके अंदर डाल दिया है ग्रिगनार्ड का CH3MgBr। मैग्नीशियम के साथ देखते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि ये वाला पार्ट ग्रिगनार्ड है। मैग्नीशियम का एक ही नेम रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, वो है ग्रिगनार्ड रिएक्शन वाला। तो जैसे ही देखें कितना इक्विवेलेंट दे रखा है, ये दे दिया है 1 इक्विवेलेंट। ये प्रीवियस जेई एडवांस क्वेश्चन है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे देखते हैं। ये ग्रिगनार्ड है, CH3MgCl हो या Br हो, जो भी होगा, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर से निकालना है CH3-। यहाँ पे अगर R होता तो क्या लेते हैं इसमें, R-, जो भी है वहीं से स्टार्ट करना है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये ढूंढेगा कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं, एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कुछ भी हमें एसिड नहीं दिख रहा, कोई भी एसिड नहीं है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये एक मिनट, एसिडिक हाइड्रोजन है तो कैसे बिहेव करेगा, ये बेस जैसा। अगर नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल जैसा। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो कैसे अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल। दोबारा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग भी ट्राई करें। ये जो CH3- है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले पार्ट पे। संसार के सारे पोलर पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिया, कार्बन हो गया यहाँ पे कंगाल, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो CH3 यहाँ अटैक करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा इस कार्बन पे, ओ पे नेगेटिव, क्लोरीन यहाँ है, एक CH3 आके जुड़ा है वो इस वाले कार्बन पे। इस कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल भी है और लिविंग ग्रुप भी है, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप साथ साथ एक में नहीं रह सकते, तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये इस पे आएगा और क्लोरीन को रिमूव कर देगा। तो बना लेते हैं, ये इधर आया, इसको रिमूव, जब ऐसे बनेगा तो रिंग बन रहा है, रिंग बनते वक्त काउंट करेंगे कितने मेंबर की रिंग है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग और 6 मेंबर की रिंग बनेगी तो बनाना है, तो 5 मेंबर करेंगे, इसमें एक ऑक्सीजन भी है, अगर प्रॉब्लम होती है रिंग में तो नंबरिंग कर लेंगे, कैसा होगा ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर करेंगे, 1 2 3 4 5। जो सेकेंड नंबर वाला कार्बन है, यहाँ भी मिथाइल है यहाँ भी मिथाइल है, तो सेकेंड नंबर वाले पे क्या कर देंगे, 2 मिथाइल लगा देंगे, CH3 CH3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पे क्या है, OH, क्या डाल रहे हैं इसमें, 1 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट 1 का मतलब क्या है कि ये वाला कंपाउंड अगर एक है उसे करस्पॉन्डिंग ही एक ही डाल रहे हैं, CH3MgCl। तो इस केस में क्या होगा, Mg को देखते ही दिमाग में क्या जाना चाहिए, ग्रिगनार्ड। ग्रिगनार्ड में इसमें से क्या निकाल के लाएंगे, CH3-। CH3- कैसे, क्या हो सकता है, बेस और अदरवाइज न्यूक्लियोफाइल। पहले क्या ढूंढेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो सबसे पहले ढूंढेगा एसिडिक हाइड्रोजन, दिमाग में रखेंगे पहले बोलना है एसिडिक हाइड्रोजन, इस कंपाउंड में ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, अल्कोहल वाला पार्ट एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा, CH3 ने इस हाइड्रोजन को लिया, तो क्या बन जाएगा ये CH3- और ये हाइड्रोजन H+, अटैक करते ही CH4 बन के उड़ गया, वहाँ पे बचे हुए में क्या रह गया, यहाँ पे क्लोरीन है, एक सेकेंड इसको करेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन जाने की वजह से पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, क्लोरीन चला जाएगा, ये इधर क्लोरीन चला गया, क्लोरीन लीव होगा, जब लीव होता है तो वो नेगेटिव साइन के साथ रिमूव होगा। क्लियर, कितने मेंबर करेंगे ये, 1 2 3 4 5, क्या बना देंगे इसमें, 5 मेंबर करेंगे, इस 5 मेंबर में ऑक्सीजन को इंक्लूड करके 5 है, तो ये इसका प्रोडक्ट। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरीन यहाँ पे OH है, CH3MgBr की जगह RMgX ले रहे हैं, RMgX देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, ये R-
आर माइनस देखते हैं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं उसको यहाँ अटैक कराएंगे, नहीं सबसे पहले क्या देखेंगे, ये स्ट्रांग बेस है कंपाउंड में, क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये यहाँ अटैक नहीं करेगा, ये क्या करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, जैसे ही इसने आर माइनस ने एच लिया तो ये खुद क्या बन गया आर एच, और बचे हुए पे क्या रह जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्लोरीन, ओ पे नेगेटिव साइन, ओ पे नेगेटिव मतलब ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल जिस कंपाउंड में, उसी कंपाउंड में लिविंग ग्रुप भी है तो वो देख नहीं सकता, वो आएगा इसको धक्के मार के निकाल देगा, देखो ये इस पे अटैक, इस कार्बन पे ये निकला, कितना मेंबर करेंगे होगा, प्रॉब्लम है तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, ये क्लोरीन चला गया, उससे हमें मतलब नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन दे रखा हो तो उस पर फोकस करना है, और जितने कार्बन हैं इन सब पे फोकस करना है, मेटल वेटल पे नहीं, हमें ऑर्गेनिक वाले पार्ट में सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले ग्रुप पे फोकस करेंगे, क्लियर। 6 मेंबर करिंग, एक ऑक्सीजन है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबरिंग IUPAC की नंबरिंग नहीं है, इस पे जो ग्रुप अटैच है वो कहाँ पे अटैच होंगे, उसका पोजीशन गलत ना हो जाए इसलिए नंबरिंग कर रहे हैं। सेकेंड वाले पे डबल बॉन्ड हो तो सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड हो, क्लियर। नंबर दोबारा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, और एक ऑक्सीजन को मिला के 6 1 2 3 4 5 6, यानी प्रोडक्ट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे NH2 है, 1 equivalent CH3 MgBr ले रहे हैं, तो क्या बनेगा इसका, सेम CH3 माइनस जो भी होगा, यहाँ पे अगर बेंजीन वाला भी पार्ट होगा तो pH माइनस, साइक्लोहेक्सेन है तो उसको माइनस, जितना भी होगा R उस पर माइनस, Mg को बोल देंगे आप साइड में हो जाए, यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होगी। फिर ये वाला पार्ट बेस है, तो बेस को क्या चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन, ये रहा हमारा एक्टिव हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन, ये लेके गया CH3 ने इस हाइड्रोजन को लिया तो खुद क्या बन गया, ये बन गया हमारा CH4, गैस से ये उड़ जाएगा, और बचे हुए में क्या रह गया, यहाँ पे क्लोरीन, नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन थे, एक ले गया नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन इस पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन चला जाएगा, कितना मेंबर करिंग 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर का रिंग बना देंगे, और उस रिंग में एक नाइट्रोजन होगा, उस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, क्लियर। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये भी दोनों प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट P1, ये भी P2, क्लियर। इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे है क्लोरीन H। इसको बनाने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका थ्योरी फ्री वाला पार्ट करते हैं। अगर पहला स्टेप याद हो, फर्स्ट सीरीज में हमने देखा था प्रिपेयर कैसे करते हैं ग्रिग्नार्ड, RX में क्या डाल दिया Mg, और सॉल्वेंट क्या होगा ड्राई इथर, ड्राई इथर का काम ही क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, Mg देखते ही ग्रिग्नार्ड बनाना है, क्या कर देंगे इसमें RMgX, एक्स क्या हो सकता है, एक्स हमारा हैलोजन है, फ्लोरीन को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, एक्स कैन नॉट बी फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब चलेगा, ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन सब, ओके। इस केस में मैग्नीशियम एंड ड्राई इथर, DE मतलब ड्राई इथर, थोड़ा भी एक्वस मीडियम नहीं है, Mg क्या करेगा, इस क्लोरीन की जगह जाके यहाँ पे घुस जाएगा और इसको क्या बना देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभी यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, Mg डालने के बाद बनेगा, तो क्या बन गया, नाइट्रोजन एज इट इज, यहाँ पे Mg आ गया क्लोरीन, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन में अगर ऐसा दे रखा है, क्या डाल रहेंगे CH3I, तो इसका प्रोडक्ट पूछा है, ट्राई करो क्या बनेगा, इसका आंसर ये होगा, यहाँ पे है MgCl हाइड्रोजन, जहाँ पे भी Mg होता है वहाँ वाले पार्ट को क्या मान लेना है, नेगेटिव, वो बेस है, वो कैसा बेस है, स्ट्रांग बेस है, NOX से भी स्ट्रांग बेस है, कार्बन पे नेगेटिव का मतलब स्ट्रांगेस्ट बेस, बहुत अच्छा बेस है, तो ये बेस क्या करेगा,
आपने अगर इस पे अटैक करा के ऐसे कर दिया है इसका प्रोडक्ट, वो गलत होगा। क्यों? ये बेस है, क्या करेगा, पहले ढूंढेगा कि कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं, कहीं पे, कहीं और पे नहीं है तो इसके खुद के घर में तो है एसिडिक हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन पे अटैच हाइड्रोजन एक्टिव होता है, ये वाला ये हाइड्रोजन ले लेगा तो क्या बनेगा, जैसे पहले कर रहे थे वहाँ पे क्या कर रहे थे, आर नेगेटिव आ रहा था, कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन देख के आर और एच बना रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि एसिडिक हाइड्रोजन बाहर से आए, उसको बेस को हाइड्रोजन से मतलब है, वो खुद के कंपाउंड में भी है तो वो भी ले सकता है। ये एच यहाँ जुड़ गया, नाइट्रोजन ने एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करने पे उस पे आ जाएगा नेगेटिव साइन CH3I। अब ये जाके अटैक करेगा, ये इस पे और ये निकलेगा NCH3। क्लियर? इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले MG डाला तो क्या बना, ग्रिगनार्ड वाला रिएजेंट। ग्रिगनार्ड वाले रिएजेंट में हमें दिमाग में आ रहा है कि ये CH3 यहाँ पे माइनस लेंगे, ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैक करेगा, ये रिमूव करेगा। गलत। ये रिमूव करने से पहले इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन। ये बेस है, कंपाउंड में अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, वो पहले अपने कंपाउंड से एसिडिक हाइड्रोजन लेके खुद स्टेबल बनेगा, ये बनने वाला अटैक करेगा। क्लियर? ये बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। ग्रिगनार्ड आया, एसिडिक हाइड्रोजन लिया, फिर उसने अटैक किया दूसरे पे। अब कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से हाइड्रोजन को एसिडिक लेना है? फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, फिर भी दोबारा डिस्कस कर देते हैं। RMGX, R क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कौन कौन से हाइड्रोजन एसिडिक होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन मिलते ही ये क्या बन जाएगा, RH। अगर R हमारा एल्केन है, एक मिनट, इस टाइप का ले लेते हैं, MgBr, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन उससे मिला तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ये वाला पार्ट जाके इधर जुड़ जाएगा मेन, ये इसकी जगह अगर बेंजीन वाला है CH3MgI, एसिडिक हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन मिला तो क्या बनाना है, यहाँ पे H जुड़ गया, जो भी R है वही वाला पार्ट बन जाएगा। R कैन बी साइक्लिक वाला पार्ट, बेंजीन, कुछ भी हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक या एक्टिव कौन कौन से होंगे, एक सेकेंड, ROH अगर एल्कोहल है उसका तो होगा ही, H2O का H, D2O है उसका D, ये वाला एसिडिक होगा, ये वाला निकाल के लेके जाएगा कौन, जब ग्रिगनार्ड का रिएजेंट डालेंगे तो। कोई भी एसिड लेंगे, HCl, HBr, कोई भी एसिड, इन सब में से भी H रिमूव होगा। C-BBB, टर्मिनल एल्काइन, ये भी एसिडिक है, ध्यान रखेंगे। कोई भी मिनरल एसिड लिया, H2SO4, H3PO4, फॉस्फोरिक, नाइट्रिक, इनका नाम ही एसिड है, वहाँ से भी क्या लेंगे ये लोग, एसिडिक हाइड्रोजन। सर्कल बना देती हूँ, जो जो भी एसिडिक हाइड्रोजन है इनमें से कोई भी गया तो एल्केन बना देगा। इनके अलावा जो ऑर्गेनिक में मेन यूज आएंगे वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, इसके साइड में ये वाला बीच वाला जो हाइड्रोजन है ये बहुत एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, जैसे ये हाइड्रोजन रिमूव करेंगे यहाँ आएगा नेगेटिव साइन, दोनों जगह रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, इसी वजह से ये क्या होगा हमारा, एसिडिक। अभी भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आया तो ये वाले पार्ट को एसिडिक बना के रिमूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में NO2 भी है, कोई भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये भी कैसा होगा, एसिडिक। क्या करेगा, ग्रिगनार्ड वाला अटैक ना करके इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, एल्केन बना देगा। क्लियर? इस केस में ये हाइड्रोजन रिमूव अगर हो गया तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा, नेगेटिव साइन आने की वजह से एरोमेटिक, तो इसका भी नेचर कैसा है, एसिडिक। इसके अलावा अल्कोहल, ROH जो ऊपर लिखा था, अल्कोहल, सल्फर डबल बॉन्ड ओ,
ऐसा फाइव मेंबर या सिक्स मेंबर रिंग। सल्फर के साइड वाले कार्बन जो अल्फा कार्बन है वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ये निकल के जाएगा। डबल बॉन्ड कीटोन है उसका ये वाला हाइड्रोजन, इसको हम एसिडिक नहीं बोलेंगे, क्रॉस ये वाला हाइड्रोजन को नहीं लेगा, इसमें कहाँ अटैक करेगा, इधर की साइड। पर अगर सल्फर वाला पार्ट है तो ये एसिडिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फर का हाइड्रोजन निकलने के बाद इधर नेगेटिव साइन आएगा और सल्फर के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, या रेजोनेंस भी हो सकता है और उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में स्टेबल भी होगा, तो ये क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन। क्लियर, पता चल गया कि एक्टिव हाइड्रोजन क्या है। तो एक क्वेश्चन का कन्वर्जन कर लेते हैं। ये ऐसा लिया, वहाँ पे हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करेगा, वो हमें समझना है कि वो वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। CH3MgI, CH3MgI देखते ही दिमाग में क्या आएगा, इसका मतलब है CH3-। CH3- इस कंपाउंड के साथ क्या करेगा, कुछ नहीं, यहाँ का एक्टिव हाइड्रोजन ले लेगा CH3 और H, ये मिलके क्या बन जाएगा, CH4, उड़ गया। और बचा क्या रह गया हमारे पास, पांच मेंबर का रिंग, यहाँ पे नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन में नेक्स्ट रिएजेंट ये डाल दिया, सबस्ट्रेट जो भी ले, ये नेगेटिव साइन इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर आएगा, एरो बनाते हैं, ये इस पर अटैक, ये ऊपर, HCO-, यहाँ पे H है, ये पांच मेंबर का रिंग ऐसे ही आके जुड़ गया। वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे, वो बन गया अल्कोहल। यहाँ तक क्लियर? H2SO4 OH, अल्कोहल और H2SO4, ध्यान रखेंगे, OH इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, इट कैन बी कन्वर्टेड इन द गुड लिविंग ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये H प्लस क्या करेगा, इस OH को निकलने में हेल्प करेगा। जैसे ही वो OH निकला तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव साइन, ये रिंग है, रिंग के बगल में पॉजिटिव साइन है, तो क्या होगा, रीअरेंज होगा। रीअरेंज होने के बाद इसका फाइनल आंसर बेंजीन बनेगा। बेंजीन के लिए कितने कार्बन चाहिए, छः कार्बन चाहिए, पांच यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसको करेंगे कंप्लीट। इसका अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, इसको फिर हम लोग एक कार्बन कटायन का रीअरेंजमेंट वाला सीरीज पढ़ लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, बेंजीन। यहाँ तक क्लियर? ये रिंग एक्सपेंशन होगा, ऐसे जाएगा, बनेगा बेंजीन। ये ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।